दोस्तों, हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे राज होते हैं जिन्हें हम हमेशा अपने दिल के अंदर दफन करके रखते हैं, और कुछ राज, कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो हम अपने किसी करीबी को बता देते हैं। हमें लगता है कि अगर इसको ये बात पता रहेगी तो भविष्य में कुछ गलत नहीं होगा। और कुछ राज ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमें लगता है कि ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है, और हम उन बातों को किसी के भी साथ शेयर कर देते हैं। किसी से भी मेरा मतलब है कि कोई अपना हो लेकिन इतना खास ना हो, फिर भी हम शेयर कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि अपने राज दूसरों को बताना, अपने सीक्रेट किसी के भी आगे रिवील कर देना, चाहे वो सीक्रेट इतने इम्पोर्टेंट ना हो, ऐसा करना आपको अंदर से कमजोर बनाता है। वो एक तरीके का ऐसा रिमोट होता है जो आप दूसरों के हाथ में दे देते हो, और फिर उस रिमोट से आपको कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों, आपको अपने माइंड में एक बात घुसा के रखनी चाहिए कि जो अभी प्रेजेंट है, चाहे जैसा भी है, जरूरी नहीं है फ्यूचर भी बिल्कुल ऐसा ही चलेगा, या वक्त को आप अपने हिसाब से चलाओगे। आपको समझना होगा कि वक्त इतनी तेजी से बदलता है जिसका अंदाजा तक लगा पाना नामुमकिन है। जो व्यक्ति, जो शख्स आपका करीबी है, वो पलक झपकते ही आपका दुश्मन बन सकता है। यहाँ मैं आपको डरा नहीं रहा, यहाँ मैं आपको उस सच से वाकिफ करवा रहा हूँ जिसे जानते हुए भी आप नजरअंदाज कर देते हो। हमारी छोटी सी गलती हमें तब तक बड़ी नहीं लगती जब तक उसकी टेंशन हमारे दिमाग को खराब ना करने लगे। आप अपने सीक्रेट के अलावा भी लोगों से बहुत सी बातें कर सकते हैं। अपने करीबी से सीक्रेट शेयर करने के अलावा भी और लाखों बातें हैं जो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर सामने वाला आपके मनी रिलेटेड सीक्रेट, आपकी फैमिली और पर्सनल लाइफ रिलेटेड सीक्रेट जानना चाहता है, तो आप समझ सकते हो कि उसका इंटेंशन क्या है। आपको अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए इस क्वालिटी को अपने अंदर जरूर डेवलप करना होगा कि आप अपने राज और अपने प्लान्स किसी को ना बताएं। कोई दूसरा आपकी बातों का फायदा उठाकर उनका इस्तेमाल करता है तो आपके लिए इससे ज्यादा दुख की बात और क्या होगी। बेवकूफी से समझदारी ही ज्यादा बेहतर है, और अपने सीक्रेट्स को अपने अंदर रख पाना इतना आसान नहीं है जितना ये सुनने में लग रहा है। आप किसी करीबी के सामने इमोशनल होकर अपने सारे राज निकाल सकते हो, या बहुत खुश होकर भी ऐसा कर सकते हो। तो दोस्तों, मेरी इस एक बात को आप हमेशा याद रखना अगर आप जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो। अब अगर मुझसे आप बात करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मोटिवेशनल मंत्रा साइनिंग ऑफ।